ये देखो बहन जी, मेरी बेटी की मार्कशीट मैथ्स में 100 में से 99 लेकर आई है मेरी बेटी। अच्छा, पूरी क्लास में टॉप किया है मैथ्स में। मैथ्स में तो ठीक है, लेकिन बाकी सब में तो इतने गंदे नंबर आए हैं आपकी बेटी के। बाकी सब्जेक्ट्स में आग लगाओ ना बहन जी, मैथ्स में देखो 100 में से 99 किसी बच्चे के नहीं आते, हर बच्चे की मैथ्स में कम ही नंबर आ रखे हैं। मम्मी, मेरा इंग्लिश में 100 में से 99 मार्क्स आए हैं। अच्छा, मैथ्स में कितने आए? मैथ्स में साइंस में ना 100 में से 85। मैथ्स में तो बता, मैथ्स में कितने आए? और हिंदी में ना 100 में से 80 मार्क्स आए हैं। मैथ्स में कितने आए हैं? मैथ्स में ये रिपोर्ट कर, 100 में से 35 नंबर बहुत ही कम नंबर आए हैं जी। लेकिन कोई बात नहीं बहन जी, मेहनत करेगी तो और नंबर ले आएगी। बाकी सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे आए हैं ना मेरी बेटी के। हाँ, मैथ्स को छोड़कर। आ गई आग में घी डालने के लिए, अब तो पिटवा कर ही जाएंगी मेरे को। अच्छा बेटी सुन, अगर तेरे को मैथ्स में कोई भी दिक्कत हो ना तो मेरी बेटी के पास आ जाइयो, वो तेरे को सारे क्वेश्चन बता देगी। इंटेलिजेंट है ना मेरी तरह। सही कह रहे हो ना, आप भी बहुत सही कह। हाँ जी, वैसे भी बच्चे तो माँ पर ही जाते हैं ना, और मेरी बेटी तो गई मुझ पर है पूरी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सत्य बात है। अच्छा बहन जी, मैं चलती हूँ, अभी किसी की खिंचाई का टाइम भी तो रहा है, मुझे उनके लिए चाय बनानी है। निकलिए आप, निकलिए। धन्यवाद। मैथ्स में इतने कम नंबर कैसे आए तेरे? तो मम्मी बाकी सब में तो सही आए है ना। बाकी सब्जेक्ट का अचार डालूं मैं? मैथ्स में जो बच्चा अच्छा नहीं होता वो किसी में अच्छा नहीं होता। नाक कटवा रखी मेरी, इतने गंदे नंबर। क्या हो गया, इस बार एग्जाम अच्छे नहीं हुआ था बस मैथ्स का, इसलिए उसमें नहीं आया, बाकी सब में तो सही आया ना। अब मेरे मैथ्स के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे को मैथ्स नहीं आती। बस दिख गया कितनी मैथ्स आती है तेरे को, तेरा तो ट्यूशन लगवाना पड़ेगा मेरे को। मैं नहीं जाऊंगी ट्यूशन, आनी तो खेलने का सारा टाइम भी ट्यूशन में निकल जाता है। बस एक शब्द नहीं, आज की आज तेरी ट्यूशन लगवा के आती हूँ, वरना तो फेल होती चली जाएगी। चल खड़ी हो। मैं नहीं जाऊंगी। खड़ी हो। राम दो तीन चार पाँच, ये हो गए 5000। अब आराम से करो, नहीं कर मौज। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार, हाँ जी बोलिए। सर वो बिटिया का एडमिशन कराना था, मैथ्स में वीक है ना बहुत, जो बल्कि इसके जो फादर हैं वो ठीक है मैथ्स में, पढ़ा सकते हैं लेकिन पढ़ती नहीं है उनसे, तो थोड़ा ये रहेगा कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपके ट्यूशन का नाम भी बहुत सुना है मैंने, तो यहाँ पे रह के थोड़ा ठीक हो जाएगी। बस मैथ्स की ट्यूशन लगवानी है, बाकी सब में तो A to Z नंबर लाती है, किसी में कमी नहीं है। बताओ बताओ। हाँ, नाम काहे नहीं सुना होगा, वो का है ना, हमारा ट्यूशन पूरा वर्ल्ड में फेमस है, वो भी खाली मैथ के लिए, हम बिहार से है ना। तभी तो मैं कहीं नहीं गई, सीधा यहीं पे आई हूँ। तो सर वो वैसे फीस कितनी रहेगी? अरे फीस से तो कोनो मतलब ही नहीं है, हमें तो बच्चा लोगों के पढ़ाई से मतलब है खाली। क्यों बच्चा? हाँ देख रहा, कितनी खूबसूरत बच्चा है तुम भी। ठीक है सर जी, कल से भेज दूँ? हाँ तो आप कल से टाइम से आ जाइए 4 बजे, इसमें लड़का लड़की दोनों लोग आता है, ठीक है? अच्छा 4 बजे, चार ठीक है सर। हाँ ठीक है, शाम को आना। नमस्कार सर जी। जाओ अच्छे से नहा धो के आना है। जी सर, नहा धो के आऊंगी। कल से एक और स्टूडेंट, मतलब पैसा ही पैसा और मैथ ही मैथ, मेंटल दुनिया मेंटल पैसा। चलिए। हाय हाय, आपका नाम क्या है? नैंसी। और आपका? मेरा नाम शीला है। मेरा नाम रौनक है। मायसेल्फ वीरेंद्र पुनिया। मेरा नाम गुड्डू। काम्या। आप लोग कब से पढ़ रहे हो इस ट्यूशन में? मेरे को तो 1 साल हो गया। 50 साल हो गए मेरे को तो। मेरे को 1 ही महीना हुआ न्यू कमर। मेरे को 3 साल हो गए। मैं कल ही आया। ये कल ही आए? झूठा, 3 साल से इसी क्लास में। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास में हो? आपके साथ पढ़ रही हूँ तो आपकी ही क्लास में हुई ना। सेम क्लास में ही तो। अरे इसकी बातों पे ना ज्यादा ध्यान मत दो, इसकी दिमाग की कंपार्टमेंट आई हुई है।
मस्त जोक मारा है ना। हट हट इधर से। अबे यार ये पता नहीं कहाँ से टपक जाता है कालिया नाग। गुड आफ्टरनून सर। बैठे बैठे कौन गुड आफ्टरनून बोलता है बे? खड़े होके बोलो। गुड आफ्टरनून सर। खड़े होके गुड आफ्टरनून सर। हाँ सीट डाउन सीट डाउन। हाँ तो पढ़ लिख के आए हो? यस सर। न्यू स्टूडेंट। हाँ तो फीस भर दिए हो? सर आज तो नहीं कल भर दूंगी। हाँ कौनो बात नहीं, एक दो दिन बाद भर देना। ए नालायक ला कॉपी दे इधर को। जल्दी देगा, वैसे भी पढ़ के कौनो आईएएस वाईएएस नहीं बनने वाला, नौकरी बनेगा तू। हाँ तो बच्चा लोग आज हम पढ़ाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? ओके सर। हाँ तो ठीक है। सही देखो इका है ए फॉर एप्पल और इसके ऊपर दू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दू। तो ये क्या बन गया? दू एप्पल। हाँ और यहाँ लगाएंगे प्लस प्लस। हाँ अब ई बना है बी फॉर बड़ा एप्पल। बड़ा एप्पल। हाँ इस पे भी लगाएंगे दू यानी कि दो। दू तो क्या बन गया? ई दू बड़ा एप्पल। दू एप्पल। हाँ फिर लगाएंगे प्लस प्लस फिर लिखेंगे दू। क्या लिखेंगे? दू। हाँ फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बड़ा एप्पल तो बन गया दो बड़ा एप्पल। दो बड़ा एप्पल। ठीक है समझ गए। अब बताएंगे आगे इजुकल। इजुकल। अब खोलेंगे एप्पल खाने के लिए मुंह। आह तो यहाँ से खाएंगे एप्पल तो एक एप्पल प्लस बड़ा एप्पल। अब खा लिया ना भर पेट तो बंद कर दिया मुंह, पेट भर गया ना तो एक एप्पल प्लस बड़ा एप्पल कितना एप्पल हुआ? दो एप्पल ना तो यहाँ लिख देंगे दो बड़ा एप्पल। समझ गए। अरे सर ये तो एप्पल की रेडी हो गई। हाँ एप्पल का ठेला तो समझ गए ना सब लोग? सर हम तो मैथ्स पढ़ने के लिए आए हैं ना, आप तो इंग्लिश पढ़ा रहे हो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। अरे तू जानती नहीं है सर को, ये इंग्लिश में मैथ पढ़ाते हैं। हाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस। अच्छा अच्छा। हाँ तो इसको माइंड में फिट कर लो, 5 मिनट बाद सुनेंगे। एक बड़ा एप्पल दो बड़ा एप्पल एक बड़ा एप्पल बन गया दो। एक एप्पल दो एप्पल हम खा गए बच्चा ठेंगा। ए बुढ़वा इले पकड़। सर पढ़ने दो ना, वैसे भी आप सुनोगे। तो क्या हो गया पढ़ रहा था? तू कौन पढ़ पढ़ के आईएएस वाईएएस नहीं बनेगा, नौकर बनेगा नौकर। आ तू ताल चाट चुपचाप। भाई हो गई सर की रसोई चालू, मैं आज प्याज नहीं काटूंगा। प्याज मैं भी नहीं काटू, शीला काट लेगी। बड़का एप्पल छुटका एप्पल। ए पागल, ए पागल बच्ची, इसको पढ़ लिख के कुछ बनना है? नहीं बनेगी। टमाटर छीलना आता है? नहीं। कौनो बात नहीं सीख जाओगी, रोज रोज आदत डाल लो, ये करना है अब शादी के बाद तुम्हें। ए अधेड़ू मल की औरत। इले तेरे खातिर भी गिफ्ट लेके आया हूँ, तू आलू प्याज दोनों काट। इले पकड़। अरे यार फिर से आलू टमाटर काटो, घर पे मम्मी काम करती यहाँ पे ये सर काम कराते। हे तू हमको बहुत इंटेलिजेंट लगता है। इले हमारी मेहरारू की सूट है, इसको सील दे थोड़ा। इले पकड़। सील दिया टाइम पे। अरे ई का रोने लग गया आले बाबुआ। अरे गलुआ चुप चुप। ए इलो पकड़ो हमारे गलुआ के खिलाफ, चुप कराओ। ए पकड़ के रखो, गिरना नहीं चाहिए, एगो हड्डी टूटा ना तो जिंदगी भर के कमाई देना पड़ जाएगा। ए तेरे को कौनो काम मिला? नहीं सर। हाँ तो एक काम कर, इले थैला और चुपचाप पहन के बैठ जा, क्योंकि तेरी शकल बिल्कुल टट्टी जैसी है, तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे भी चुभने लग गया है हमको। पागल सा। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? ये सर तो अपने घर का काम करवा रहे हैं हमसे, ये बच्चा पकड़ा दिया जो इन सर के जैसा तो लग ही नहीं रहा, पता नहीं किसका बच्चा उठा लाए।
बोल देती हूँ। सर आप हमसे ये घर का काम क्यों करवा रहे हो अपना? हम लोग तो मैथ सीखने के लिए आए हैं ना यहाँ पे। अरे तो हम भी तो पढ़ाई करने आए हैं। वो क्या है ना, हमारी बीबी ऑफिस चली जाती है तो हमको इतना काम पकड़ा देती ना, तो हम पढ़ नहीं पाते और तुम लोगों को पढ़ा नहीं पाते। हम भी फंस गए हैं और तुम लोग भी फंस गए, इसलिए थोड़ा थोड़ा काम तुम लोगों में बांट दिए हैं ना। तो बराबर काम करेंगे, आराम से पढ़ाई भी करेंगे और हॉलीडे होमवर्क तो हम कंप्लीट करवा ही देंगे, तुम्हारा एग्जाम में भी पास करा देंगे तुम लोगों को। और क्या है ना, हमारी मेहरारू है ना बहुत ढीठ औरत किस्म की है, वो बहुत मारती है, इतना मारती है, इतना मारती है ना, हालत पंचर कर देती है। नहीं करेंगे तो बहुत मारेगी ना, समझो थोड़ी हमारी बात भी। भाई सर की हालत देख के मेरे को ऐसा लग रहा है मैं तो शादी करूंगा नहीं। भाई मैं भी नहीं करूंगा। ठीक है तू रहने दियो, मैं कर लूंगा। तो मैं भी करूंगा। ए बुढ़बक फिर से थैला हटा लिया रे, कहे ना तेरे को कि बहुत चुभने लगा है तू हमको, दोबारा पहन पहन। गुड सर। हाँ जो फटा हुआ था ना वो सिल दिया। हाँ तो फिर से फाड़ और दोबारा सिल दे। हाँ तो बच्चों लोग आज हम तुमको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री। देखो ई का है टावर। अरे सर ये तो पेन है। हे बुढ़बक कहीं के, फॉर एग्जांपल के तौर पर देखो इसको, टावर का है ई। टावर तो ई का है टावर का ऊपरी हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे एगो लड़का खड़ा है, मतलब एगो लड़का खड़ा है, और ई है निचला हिस्सा, ठीक है। और बिल्कुल इसके यहाँ बराबर में घर है, उसके अंदर भी एगो लड़का खड़ा है। तो यहाँ से कैंची थ्योरी लगाओ और बताओ कि उसके सर में बाल कितना है। अरे सर ये तो गंजा है। और सर एक नहीं दो दो गंजे हैं। हे पागल औरत ध्यान से देख, ध्यान से दिखेगा। अरे सर ये इसका सिर है ही नहीं, ये तो इसकी मम्मी ने ना पैंट निकाल के धूप में खड़ा कर रखा है सुखाने के लिए। थ्योरी दिख रहा है। हे चुप चुप, अश्लील बात करता है, बिल्कुल निकम्मा बच्चा ही हमारी क्लास। अरे यार ये एक ऐसा ट्यूशन है या तो पढ़ाई होती ही नहीं है, बच्चे भी ऐसे ही और सर तो है ही ऐसे, मुझसे तो नहीं पढ़ा जाएगा यहाँ पे। पास कैसे होंगी, मैं पहले पास तो हो गई थी अब तो फेल ही हो जाऊंगी। बिट्टू यार इस ट्यूशन में पढ़ाई तो होती नहीं है, तुम लोग पास कैसे होते हो, फेल नहीं हो जाते क्या तुम लोग? अरे वो क्या है ना, हमको सर पास करा देते हैं। सर कैसे पास करवा देते हैं? हे का खुसुर फुसुर लगा रखा तुम दोनों ने। सर कुछ नहीं, वो क्या है ना क्वेश्चन पूछ रही थी। का पूछ रही थी? सर ये पूछ रही थी हम इंग्लिश में बात करते हिंदी में करते मैथ में क्यों नहीं करते। जरा इधर आइए, ज्यादा तीन पाँच मत कर, 9-2-11 हो जा वरना कान के नीचे 5-7 लगाएंगे, 6-36 नजर आएंगे, और जो 32 दांत ही करके ले रखे हो ना मारेंगे कि सारे गिर जाएंगे। ज्यादा बोलते हैं बुढ़बक कहीं के नतिया, पढ़ ले चुपचाप कुकुर मुत्ता कहीं का। देख लिया कैसे बात करते हैं मैथ में। मैथुमल ओए अब इस बच्चे का क्या करूं, ऐसा कर इसको उल्टा लटका दे। एक काम कर उछाल के पंखे पे बिठा दे इसको। अरे पहले इसका डायपर चेंज कर दे। मम्मी मैं ट्यूशन जा रही हूँ। अच्छा एक मिनट इधर आ, अपनी फीस लेके जा। हाँ ये ले ध्यान से दे दियो। ठीक है बाय। और पिज्जा बना रही हूँ जल्दी आइयो, आके खाऊंगी। मम्मी ने ट्यूशन की फीस तो दे दी, इस बार ना मेरे को अपने फुल मार्क्स चाहिए मैथ्स के अंदर। हाँ मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो ठीक ठाक ले आती हूँ, पर इस बार ना मैथ्स में भी लेके आऊंगी। पर क्या करूँ यार ऐसा जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आए। हाँ ट्यूशन वाले सर, ट्यूशन वाले टीचर्स को क्या चीज होती है सबसे ज्यादा प्यारी? हाँ फीस, जो बच्चा टाइम पे फीस देता है ना वही तो होते हैं ट्यूशन वाले सर के फेवरेट। है काम करती हूँ मैं, सर को ना अगले महीने की भी एडवांस फीस दे देती हूँ, उसके बाद तो सर खुशी खुश हो जाएंगे बिल्कुल मुझसे, और मेरे को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे और फिर अच्छे मार्क्स भी दे देंगे स्कूल के यूनिट टेस्ट में।
पर पैसे लाऊं कहाँ से? मम्मी ने तो एक ही महीने के दिए है। हाँ, मेरे पास थोड़ी सी पॉकेट मनी रखी हुई है, थोड़े से और जमा कर लेती हूँ और फिर एडवांस फीस भर दूंगी। हाँ, पैसे जमा करती हूँ। हाय अजय। हाय नैन्सी, कैसी है तू? बढ़िया। अच्छा अजय, मेरे को ना तेरी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हेल्प? कैसी हेल्प? मेरे को ना थोड़े से पैसे चाहिए थे, तेरे पास 200 रुपये तो दे दे, एमरजेंसी यार कुछ। किस लिए चाहिए थे तुझे? यार कुछ पर्सनल है, मैं बता नहीं सकती, पर ना बहुत जरूरी है। चल ठीक है, 200 तो नहीं, 100 रुपये पड़े मेरे पास। हाँ ठीक है, 100 ही दे दे, मैं ना तेरे को बढ़ा के ही दूंगी कुछ ना कुछ, देखियो 100 के ना 150 करके दूंगी मैं तेरे को। ठीक है, थैंक यू यार। मम्मी, मेरे पॉकेट मनी दे सकते हो एडवांस? किस खुशी में? कुछ जरूरत है ना मम्मी। अच्छा, ये 200 रुपये जाओ। ठीक है, 200 रुपये रह गए, वो बाद में दे देना। किस चीज के? अब तो बढ़ा दिए थे ना आपने। अच्छा अच्छा, ऐसे दे दो बस। मामा दे के गए थे 50 रुपये, आज काम आए। ले लेती हूँ, थैंक यू भगवान जी, वापिस लौटा दूंगी। ठीक है, अगले महीने इसी के साथ मेरे होते हैं 500 रुपये पूरे। हैं ये बच्चा लोग, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज फीस डे है ना, तो तुम लोगों को फीस भरना पड़ेगा। एक कबूतर सी शकल की फीस कहाँ है तुम्हारा? सर वो ना अगले महीने दे दूंगी। अगले महीने दे दूंगी, एक काम करो अगले महीने से ट्यूशन आना, निकलो अभी। सर दे दूंगी ना अगले महीने। कल टाइम पे फीस आ जाना चाहिए, वरना नाक पे घूसा मार के नाक से खून निकाल देंगे। हे तुम, ये लाल कपड़ा, इधर आओ, इधर आओ, छुप का रहे हो, इधर आओ। ठीक है, आधी फीस। आधी? आधी का है? ऐसी। चलो कोनो बात नहीं, आधे महीने ट्यूशन पढ़ना और आधा ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा सॉल्व करने के लिए, समझी? चलो जाओ। बासी मुंह लेके आ जाती है, सुबह सुबह नहाए हुई शकल को भी बासी कर देते। ए ऑरेंज टोपी, इधर आओ, इधर आओ टोपी मास्टर, पढ़ना लिखना है नहीं। ये लीजिए सर, बाकी पैसे वापस दे दो। ई का है सर? चांदी का सिक्का, चांदी का। आए? अरे सर मजाक कर रहा हूँ, जस्ट चिल, 499 रुपये बाद में दे दूंगा ना। 499 रुपये बाद में दे दोगे? इधर आओ। 499 रुपये बाद में दोगे तुम? हमारा मेहरारू का बोतल गिर दिया, इतना गर्म पानी करके दी थी हमारा गला के लिए। कमीना, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। भाग इधर से। गरम गरम पानी दी थी अपना दोनों हाथ से। टाइम पे फीस लिया ना, वरना मार के तुमरी में नक्शे तोड़ देंगे। ए पुदीना जी, फीस का है तुम्हारा? ए डोंट एंग्री मी, सरनेम के साथ कोई गड़बड़ नहीं, समझे सर? इज्जत से मिस्टर पुनिया, समझे? हाँ वो पुनिया दुनिया कुछ भी, फीस कहाँ है तुम्हारा? फीस? सर मेरे पापा की तनख्वाह नहीं आई अभी 5 महीने से। अच्छा, तनख्वाह नहीं आई, बड़ा दुख का बात है कि तनख्वाह नहीं आई। वो कहा है ना, हमारा भी मन नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए। एक काम करो, तनिक पीछे खड़े हो जाइए और चुपचाप वहाँ से खड़े होकर देखिए जॉन हम पढ़ाएंगे। अरे सर आखिरी मौका दे दो ना सर, प्लीज, आपका की दीदी की कसम। चलिए लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, आज आज माफ कर दे रहे हैं इस भैंसा की तरह। कल तुम दोनों फीस टाइम पे लिया ना, वरना दोनों को ट्यूशन के बाहर धकेल देंगे। ए चौमिन, तुम्हारा फीस किधर है? आया सर। ये लो सर पूरी फीस। अरे वाह,
फीस तो बिल्कुल टाइम पे आई है सर, एग्जाम में पास करा दिया। अरे चलिए। ऐ सुनिए इधर आइए, जाओ जाओ कुछ नहीं जाओ। असली गांधी जी, किस्मत और भाग्य दोनों खुल गया। ए न्यू स्टूडेंट, तुम्हारा फीस किधर है? सर ये इस महीने का फीस। अरे वाह। और ये अगले महीने की एडवांस फीस। अगले महीने की एडवांस फीस? अरे वाह बेटी वाह, दिल हमारा गदगद हो गया, बिल्कुल खुश हो गया। हम तो कभी खुशी से समा ही नहीं पाएंगे लग रहा है, अब तो मरिए जाएंगे। ए निकम्मा बाल का लोग, तुम लोग देख लो, कुछ सीख लो इस लड़की से। अभी आए हुए 2 दिन नहीं हुआ, फीस एडवांस दी है। तुम भी टाइम पे इसे एडवांस दोगे तो दिल खुश रहेगा ना हमारा, और पेपर भी दिखाएंगे टाइम पे। अरे आप खड़े काहे हो? आप बेटी इधर बैठो, इधर बैठो, तुम्हारी तो कुर्सी है। ये ट्यूशन भी तुम्हारे ही नाम पे खोलना चाहिए था हमको, नेंसी फेंसी ट्यूशन, सही है ना? हाँ चलेगा, दौड़ेगा भी। प्यास लगा है? हाँ प्यास लगा होगा। इलो हमारी मेर आरू क्या, हाथ का एक नंबर का चुम्मा पानी, गरम है, पियो गला को ठंडक मिलेगा। अरे सर मुझे प्यास लगी, पानी दो ना। अच्छा पानी चाहिए बच्चा लगन को, अभी देते हैं। बेबकू बच्चा, पानी पीना है इनको, फीस टाइम पे दी नहीं जाती। पानी सर, पानी शूशु सर, पोटी निकम्मा लोग कहेंगे। भूख लगा है? नहीं नहीं। अरे कुछ तो खाना होगा, अरे रेस्टोरेंट से मंगा देते हैं, अरे ढाबा से कौन हो? अरे हमको पता है तुमको कहाँ पसंद है। ई लो हमारा कुरकुरा चिप्स खाओ, तुम बिल्कुल खुश रहो, अपना ही ट्यूशन मानो ना इसको। अरे सर वो कहा है ना, हमको भूख लगी है, थोड़ा खाने को दो ना। हाँ अब भूख भी लगा है इन लोगों को, आइए इसको भी थोड़ा सा दे देते ना, बेचारे को खाने को नहीं मिलता होगा। तुमको भूख लगा है, टाइम पे इनको कुरकुरा चिप्स खाना है। निकम्मा लोग है, पेशाब लगा है? नहीं नहीं सर। अरे लगा होगा। अरे नहीं नहीं। अरे आधा एक घंटा से तुम कुर्सी पर बैठे हो, बाथरूम लग गया होगा ये सब खा पी के। नहीं, अरे लगा होगा, हम कह रहे हैं। अरे सर वो क्या ना, मेरे को बहुत दूर से वॉशरूम आ, जल्दी जाने दो ना। अब समस्या भी है, अब इनको मूत भी लगा है। आइए मूत दीजिए हमारे जेब में, आइए। अब इनको मूतना भी है, देख रहे हो कितनी गंभीर समस्या है। क्या है सर, को वॉशरूम भी नहीं करते देते, लीवर खराब करेंगे मेरा। किडनी होता है बेबू। चुप रहे, बिल्कुल बुड़बक बच्चे लोग हैं। वो सब छोड़िए, हम तो बात बात में भूल ही गए, थक गए होगे ना तुम। अरे चलो कौनो बात नहीं, आप एक काम करो, इस पर पैर रखो, आइए रखिए, आराम से बैठिए, अपना ही ट्यूशन समझिए इसे। हाँ तो आराम करिए आप, हम जब तक बच्चा लोग उनका पढ़ा देते हैं। हाँ तो बच्चों लोग को भी खोलो, हम पढ़ाएंगे आज तुमको मैथ, मैथ में ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाएंगे तुमको। ओए तुम सबको एक बात बताओ, आज मैंने ना स्कूल में पकड़म पकड़ाई खेली और किसी ने मेरे को पकड़ा ही नहीं। तेरे को कौन पकड़ेगा बे? यार वैसे कितने मजे आते हैं ना स्कूल में खेलने में, स्कूल में तो हम लोग खेल लेते हैं, ट्यूशन के बच्चों के साथ तो कभी भी नहीं खेले। हाँ सही कह रिया है। यार पढ़ाई का तो आज मन नहीं कर रहा मेरा, तो तुम्हारा कर रहा है? हमारा तो कभी मन करता ही नहीं है। एक काम करते ना, सर को बोलते आज कि सर आज पढ़ाओ मत, आप टेस्ट कल ले लेंगे सर, और आज हमें खेलने के लिए ले जाए बाहर। अबे तेरा स्कूल थोड़ी है ये, यहाँ पे फ्री पीरियड नहीं मिलेगा कोई भी स्कूल की तरह, ये ट्यूशन है। और तेरे को पता है सर ने क्या बोला था, टेस्ट लेंगे आज सर, टेस्ट लेंगे। हाँ सर नहीं मानने वाले। नहीं मेरे पास एक प्लान है। प्लान बताना, अच्छा बता रही हूँ,
तुम लोग ना बस जैसे जैसे मैं करूँ ना मेरे पीछे पीछे वैसे ही रिपीट कर देना एक्टिंग। अरे तू उसकी चिंता मत कर, हम तो टेस्ट में भी ऐसे करते हैं, एक जरा लिखता है बाकी सारे वैसा का वैसा टिप देते हैं। टैलेंटेड। चलो ठीक है फिर। हाँ तो बच्चा लोग टेस्ट की तैयारी है? यस सर। हाँ तो ठीक है, तो हम पर्सन लिख रहे हैं, उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखना तुम लोग। यस सर। ठीक है सर। हम लोगों का ना आज पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, एक काम करो ना टेस्ट आप कल ले लेना, आज हम लोग ना सारे बाहर खेलने चले जाते हैं। उक्का है ना, हमारा भी मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, तुमको पीटने का कर रहा है, पीटे हम तुमको। पढ़ा चुपचाप बुड़बक नहीं के, जब देखो जब मन नहीं कर रहा सर, मन नहीं कर रहा। चुपचाप पर्सन लिख रहे हैं, उत्तर लिखो इसका। नैन्सी मेरे को लगता तेरा प्लान फेल हो रहा है। अरे मेरा प्लान अभी शुरू का हुआ है, अब देखो तुम स्टेज वन। ओ तो शुरू करना काजल। उक्का है ना बच्चा लोग, हमारा थोड़ा मूड ना चेंज सा हो गया, तो एक काम करो ना टेस्ट वेस्ट तो लेते रहेंगे, कल ले लेंगे परसों ले लेंगे, अभी तुम लोग रिवाइज करो। काजल मैडम स्टेज वन क्लियर, अब आती है स्टेज टू। अबे एक बात बता, ये काजल है कौन जिसका नाम सुन के सर के गाल गुलाबी हो गए, बौखला गए। काजल ना सर की महबूबा लवर। अच्छा दूसरी बीवी? बीवी नहीं सेटिंग। अरे यार ये सर तो इमरान हाशमी निकले, घर वाली बार वाली बड़ा रोमांटिक मुंडा है। अबे ये तो अरमान मलिक निकले, घर वाली और बार वाली दोनों। दो दो बीवियां। अब देखो तुम, ये तो स्टेज वन कंप्लीट हुई थी, अब आएगी स्टेज टू। देखो सर वैसे काजल मैम बहुत ही खूबसूरत है, इतनी गोरी चिट्टी बहुत सुंदर लगती है सर, वैसे एकदम ऐश्वर्या राय जैसी लगती है। क्या बात कर रहे हो, अब तो चना के झाड़ पे चढ़ा रहे हो तुम लोग हमका। अरे बच्चा लोग एक काम करो, रिवीजन भी छोड़ो, चुपचाप शांति से बैठ जाओ, क्योंकि हमारा मूड थोड़ा चेंज है। अब देखो स्टेज थ्री। सर वैसे आपकी और काजल मैम की जोड़ी ना एक नंबर की लगती है, सुपर। पता है आपको आप दोनों की शादी होनी चाहिए थी, पता नहीं आपकी वाइफ तो बीच में ऐसे लगता है कि फूलों के बीच में एक कांटा आ गया। सही कह रही है सर, देख कितने काले। काजल मैम कितनी गोरी है, सर को देख कितना नाटे है। काजल मैम कितनी लंबी है, ये तो वही बात हो गई, रब ने बना दी जोड़ी और सर चढ़ जाए अगले साल घोड़ी। अरे बच्चा लोग एक काम करो तुम लोग, तुम जाके खेलो कूदो यार, क्या रखा है पढ़ाई वढ़ाई में, आज हमारा मन ना बहुत गदगद हो रहा है, तो जाओ खेलो तुम लोग। ओए तेरे को कैसे पता चला कि काजल मैम सर की सेटिंग है? मैं ना आज ट्यूशन में सबसे पहले आई थी, तुम लोग तो लेट आए थे, तो मैंने देखा सर ना बाहर बालकनी में बैठ के ना अपनी मैम से बात कर रहे थे फोन पे, और बात करते करते ना पुच्ची सुच्ची भी कर रहे थे। अच्छा काजल चलो खेलने चलते, चलो सर चलो चलो। चलो इसी बहाने अपनी रोमांस वाली मेहरारू की जगह गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ ना। हेलो ओए क्या खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो? खो 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 खो। चलो खो खो खेलते हैं, पहले मेरे को पकड़ो, मेरे को आउट करो, बैठ जाओ सारे। मैं बैठूंगी। नहीं 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 मैं बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं बैठूं? नहीं एक वैसे एक वैसे।
हाँ बच्चा लोग, अरे पढ़ाई वढ़ाई तो होता रहता ना, थोड़ा बोले है कि हम खेल कूद कर लो, शरीर वरीर खुल जाएगा हमारी तरह। अच्छा ठीक है, अब मेरी बारी, मैं बैठती हूँ। मेरे को पकड़, मेरे को। मिलेंगे ना, थोड़ा जल्दी मिलेंगे, वो कहा है ना एग्जाम आने वाला है बच्चा लोगों का, तो थोड़ा पढ़ाई में व्यस्त है, थोड़ा टाइम और दो ना, मिलेंगे जल्दी मिलेंगे। अरे ये हमारी अनपढ़ लवर फोन काट देती है पूरी बात सुने बिना, बच्चन लोगन का है जरा देखो हम। ए कहाँ खेल रहे हैं बच्चा लोग, इधर आओ। अरे उधर दूर नहीं जाना, कुत्ता लोग काट लेगा, काट लेगा तो 14 इंजेक्शन लगेगा, इधर आओ। नैन्सी मैथ्स की प्रैक्टिस कर ले, पेपर आ रहे हैं। हाँ मम्मी मैथ्स ही कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अरे यार अभी तो साइंस का भी रहता है सारा, पहले मैथ्स ही कर लेती हूँ। अबे देख पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, मेरे से भी कहा मैथ्स होती है फिर भी मैं लगी रहती हूँ। मेरे घर वाले तो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पापा तो मुझे बेल्ट से मारते हैं और कभी कभी घर से बाहर भी निकाल देते हैं। मैंने तो 2 ट्यूशन लगवा रखी है, इसके करने के बाद मैं दूसरी ट्यूशन जाती हूँ, इतना पढ़ना पड़ता है मुझे, फिर भी मैं कई बार फेल हो जाती हूँ। सही कह रही यार तू, पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेरे को नहीं लगवानी मेरी 2-2 ट्यूशन्स, एक ही ट्यूशन इतनी ज़्यादा हैवी हो रही है, स्कूल भी जाती हूँ स्कूल में पढ़ते हैं फिर घर पे भी पढ़ो ट्यूशन में भी पढ़ो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। हम पे बहुत प्रेशर है, तू प्रैक्टिस कर हो जाएगा सब, चल कर। लड़की आते नैन्सी तू स्कूल से कब आई और ऐसे सो क्यों गई आते, चल खाना लगाती हूँ मुंह हाथ धो ले। ये क्या रिपोर्ट कार्ड मिल गई तेरी, दिखा मेरे को दे। दे ना, सुनते नहीं एक बार में। 35 45 55 इतने गंदे मार्क्स, वो भी हर सब्जेक्ट में। मैथ्स में तो तुम पुअर थी, अब सब में ही होती जा रही हो क्या? इतने गंदे मार्क्स कैसे आए हैं बताओ मुझे, स्कूल जाती भी हो या आवारागर्दी करती रहती हो? सच सच बताना, कहीं बंक करके लड़कों के साथ घूमने तो नहीं जाती तुम? तुमसे पूछ रही हूँ कुछ मैं नैन्सी, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना मैं। बुखार, इतनी तेज बुखार, बोल नहीं सकती तेरे को बुखार हो रहा है, मैं कब से तेरे पे चिल्लाई जा रही हूँ। मम्मी मेरे को मैथ समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी, मैंने कोशिश करी है सारा टाइम मैथ पढ़ने की पर मेरे से नहीं होती मैथ। मैथ पढ़ने के चक्कर में ना सारे सब्जेक्ट्स मेरे वीक हो गए, किसी भी सब्जेक्ट को मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, सारा का सारा टाइम बस पढ़ाई में ही निकल जाता, स्कूल में भी पढ़ो घर आके पढ़ो फिर ट्यूशन में जाके पढ़ो, मेरे को नीड करनी मैथ। हे भगवान, सारी मेरी गलती है, मैंने इतना प्रेशर डाला हुआ है तेरे पे, तू इतनी स्ट्रेस्ड है मुझे ये पता ही नहीं था। मैथ्स ही तो है, क्या हो गया नहीं हो रही तो,
और अगर ट्यूशन जाना नहीं पसंद तो मुझे बोलना आके, स्कूल में ढंग से पढ़ाई हो रही है तो मैं ट्यूशन लगवाती क्यों? बेटा तू बिल्कुल स्ट्रेस मत ले, कोई बात नहीं, एक ही सब्जेक्ट ही तो है, बाकी सब्जेक्ट में तो तू अच्छा कर सकती है ना पहले जैसे। और सॉरी बेटा, मैंने तेरे पे इतना प्रेशर डाला कि तुझे फीवर हो गया मेरे प्रेशर की वजह से। मैं आज के बाद तेरे पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डालूंगी और तेरी बात भी सुनूंगी और समझूंगी अच्छे से। जो भी दिक्कत हो मुझे बताया कर, कोई बात नहीं, मैथ्स नहीं होती उसमें हम धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो अच्छे से कर तू। और अगर तेरे को कोई स्पोर्ट्स में जाना है तो मुझे बता आके, मैं खुद ज्वाइन करवाऊंगी तेरे को। और ऐसे स्ट्रेस नहीं लेते, पेरेंट्स तो फ्रेंड्स जैसे होते हैं ना, उनसे हर चीज़ शेयर करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, चिल करो एकदम। मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ, तू रेस्ट कर, ठीक है? दवाई भी बैठ, चल ले जा। Hey guys, so आपको कैसी लगी ये वीडियो? I hope आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो से बहुत अच्छा लेसन मिला होगा कि हमें बिल्कुल स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, एकदम इजी होके पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लेके आओ। आई नो आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले और आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी और पढ़ाई में लगे होंगे, बट रिलैक्स रहो आप लोग। और हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा हर एक फील्ड में हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट हो, तो आप लोगों को जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो उसमें अपना बेस्ट दो, और चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो, कुछ भी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर फ्यूचर एंड ऑल्सो फॉर योर स्टडीज़। तो बाय। हाँ, हम लोग आपसे जल्दी मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, हर संडे सुबह 10 बजे देखना, बिल्कुल मत भूलना।